लीजिए भाई साहब चाय पीजिए। अरे भाभी इसकी क्या जरूरत है, मैं इस घर का मेहमान थोड़ी हूँ। और आप तो जानती हैं कि मैं त्रिकाल साहब के अंदर में काम कर चुका हूँ। जी हाँ मुझे पता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि त्रिकाल साहब भी ट्रांसफर होके मुंबई आ गए। दरअसल इस शहर को त्रिकाल साहब जैसे एक ईमानदार ऑफिसर की सख्त जरूरत है। भाभी आपको पता नहीं है आपके पति कितने महान है, मेरे दिल में उनके लिए खास रिस्पेक्ट है। भाई साहब आप चाय पीजिए, मैं अभी आती हूँ। जी आप जाइए। एक अमले तेरी खोपड़ी में भेजा है कि नहीं? अगर त्रिकाल चौधरी इतना ही ईमानदार आदमी है तो तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया? अबे साले तू नहीं समझेगा, मैं जो बोलता है ना उस पर कभी ध्यान नहीं देने का, क्योंकि मेरे दिल में कुछ, दिमाग में कुछ और जुबान में कुछ और होता है। ये तो मैं त्रिकाल साहब की बीवी को मस्का मार रहा था। दरअसल त्रिकाल साहब एक नंबर का हरामी आदमी। गुड मॉर्निंग कामले। सर कैसे हो? ठीक हूँ सर। सर यशवंत अन्ना और विकास अन्ना का नाम तो सुना होगा आपने, ये उनका छोटा भाई। नमस्ते सर, यशवंत अन्ना और विकास अन्ना आपसे मिलना चाहते हैं सर।